right? We need to use a plt command, matplotlib plt. By the way, plotlib an ek library hai. Plotlib, that is also upcoming there, the navin latest. Matplotlib.pyplot as plt, import seaborn as sns, and this line ensures every graph is printed in the same Jupyter notebook, or else it will print in some other window. It's on just open new window open karto na, like this it will open graph instead of Jupyter notebook. Okay, and how to plot? plt.plot, right? It's a same, whatever you want to do, you can directly use that keyword as a function. Axis label, plt.x label and plt.y label. If you put this and plt.plot, you will get a line chart, right? Default. Okay, years, year here. We saw this yesterday with few example. Multiple line, do bar plot likho, right? Then it will plot a multiple line. If you want three lines, put a third line, plt.plot. X label, axis label के लिए x label, y axis के लिए y label, and plt dot show क्या करता है? Additional जो information आया था वो remove करता है. अरे देखिए ऊपर वाला जो, अरे this additional information ये print का होता है ना, इसको remove करने के लिए plt dot show, ये देखिए. टाइटल कैसे करना है? plt dot title. Legend कैसे? plt dot legend. अभी legends में thing is you need to pass multiple values ना, इसलिए हमने एक list बना के pass किया है, क्योंकि कोई भी function एक ही value ले रहा है. If you see, this is only one value, this is only one value, one value. वैसे legend भी एक ही value लेता है, पर आपको multiple pass करना है, तो क्या करना है? List बना के pass दो. फिर ये list एक है ना, इस पे मल्टीपल इंफॉर्मेशन है, दैट इज डिफरेंट, बट वन थिंग. सो पीएलटी डॉट लेजेंड, एंड देन देयर आर समथिंग एस्थेटिक पार्ट आता था. एस्थेटिक मतलब लाइन आपको डॉटेड बनाना है, कलर चेंज करना है, मार्कर्स चेंज करना है, दैट ऑप्शन इज आल्सो अवेलेबल. कैसे? सेम फंक्शन में पीएलटी डॉट प्लॉट, ये डेटा है आपका, राइट? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, देन कलर दीजिए, ब्लू, ऑरेंज, पिंक, बेज, द कलर which you feel suitable. line style as in dash or dot, usse related hai. marker matlab aise dots jo line aapko plot karenge aap log, us do line mein se jo point hai usko indicate karne ke liye marker kehte hai. to marker ke alag alag hai, circle, c se circle, s se square, p se polygon, so those are shortcuts are there, t se triangle, right? देन लेबल क्या देना है? एक्स लेबल, वाई लेबल, डायरेक्टली आप लेबल दे सकते हो, ऑरेंज यील्ड, एप्पल यील्ड, राइट? बाकी सब सेम, पीएलटी डॉट प्लॉट, एक्स लेबल, वाई लेबल, लेजेंड. बाय द वे देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रिड. ग्रिड मतलब ये पीछे बैकग्राउंड में जो दिख रहा है ना, ये दिस इज अ ग्रिड, राइट? या यू कैन सी समथिंग विद द, दीज आर द मार्कर्स, ओके, and this is a plain line. style का थोड़ा डिटेल में लिखा है. कलर माने सी भी यूज कर सकते हो आप, ऐसा नहीं कि हर बार कलर कंप्लीट लिखना पड़ेगा, सी डॉट लिख सकते हो. लाइन स्टाइल एल एस डॉट, लाइन विड्थ एल डब्ल्यू डॉट, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, इन डिटेल में आपको चाहिए. मार्कर साइज, वो जो डॉट है ना, स्क्वायर, ट्रायंगल, पॉलीगॉन, उसके साइज. मार्कर एज कलर्स, इतना डिटेल में इट्स नॉट रिक्वायर्ड, बट इफ यू वांट यू कैन फाइंड आउट मार्कर का एज का कलर. मतलब ये तीन ट्रायंगल है, आपका लाइन आएगा ऐसे कुछ, है ना, डॉटेड लाइन ड्रॉ किया आपने, तो इस ट्रायंगल के एज जो है ना, ये लाइंस, इसके कलर, इतना बहुत डिटेल में हो जाएगा वो. मार्कर एज के विड्थ मतलब इसके विड्थ, इसका विड्थ, राइट? मार्कर फेस कलर मतलब इसके अंदर वाला कलर,
अल्फा ओपेसिटी मतलब ये कितना डार्क और फेंट, सो वो दैट्स व्हाई यू यूज स्पेसिफिक लाइब्रेरी फॉर द ग्राफ। मतलब आपको इतना बहुत डिटेल में यू हैव सच रिक्वायरमेंट कि ग्राफ ऐसे ही दिखना चाहिए। ये जनरली रिक्वायरमेंट होता है कि इफ यू आर डूइंग क्रिएटिंग सम मटेरियल फॉर पब्लिकेशंस, मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बना रहे हैं, कहीं पब्लिश करना है, राइट, न्यूज़पेपर में आर्टिकल को देना है, इंटरनेट पे आपके डालना है, कहीं प्रेजेंटेशन देना है मीडिया में, टीवी पे, तो एट दैट टाइम ऑल दिस डिटेल मैटर्स। सो फॉर दैट पर्पस देन पीपल विल यूज सच रिक्वायरमेंट। ओके, दैट्स व्हाई देयर आर डिफरेंट लाइब्रेरीज सच एज मैटप्लॉटलिब सीबॉर्न व्हिच स्पेसिफिकली फोकस ऑन प्लॉट और ग्राफ, जिनको इन डिटेल में चाहिए। फॉर अदर पीपल लाइक अस PLT डॉट प्लॉट इज सफिशेंट, डेटा पास करो, इफ यू वॉन्ट यू कैन गिव अ कलर, दैट इज इनफ फॉर अस, डिपेंड्स वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट, यू कैन यू शुड बी एबल टू यूज द लाइब्रेरीज, राइट, समथिंग लाइक दिस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। वेदर देर इज समथिंग कॉल्ड FMT विच इज अ शॉर्टकट फॉर ऑल दिस पैरामीटर्स विच पीपल मे यूज इन MCQ एज वेल। मतलब इंडिविजुअली आप सी डॉट फिर कलर स्पेसिफाई करो, लाइन विड्थ डॉट फिर विड्थ स्पेसिफाई करो, लाइन हाइट और लाइन, इतना सब कुछ करने के बजाय सिंपल यू पास अ स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग पास करो, उस स्ट्रिंग में ये तीन चीजें आएंगी, मार्कर, लाइन और कलर। ओके, डायरेक्टली आप पास कर सकते हो। ये देखिए, मार्कर का टाइप पी है, लाइन का टाइप डॉटेड है, एम इज कलर, मैजेंटा आई गेस, एम इज मैजेंटा, समथिंग लाइक दैट। ओके, नहीं इट्स ऑरेंज कलर, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज है नहीं, ये कौन सा कलर है, पर्पल और मैजेंटा, गर्ल्स कौन सा कलर है, इट्स देयर इन द डॉक्यूमेंटेशन एक्चुअली, लेट मी चेक, इट्स देयर इन द डॉक्यूमेंटेशन, इट्स मैजेंटा और समथिंग। अरे ऐसा कैसा, ठीक है रहने देते अभी, वो मे बी विल कम अक्रॉस, नीचे थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है वहां पे आपको मिल जाएगा। ओ व्हाई टू बॉदर सो मच, यही यही पे देख लेते हैं, शिफ्ट टैब, डॉक्यूमेंटेशन है राइट, कलर रिलेटेड भी रहेगा कुछ ना कुछ। मैजेंटा मैजेंटा राइट, हाँ शेयर ओके, किया, और यहाँ पे आर है प्लस कमेंट प्लस मार्कर, एच मतलब हेक्सागोन मार्कर, स्टार मतलब स्टार मार्कर, ये देखिए अलग अलग टाइप के मार्कर भी है यहाँ पे, मार्कर्स रिलेटेड शॉर्टकट्स आपको यूज करना है, देखिए बहुत ज्यादा है राइट। लाइन स्टाइल, ओके इतने चार लाइन स्टाइल है, सॉलिड, डैश, डैश डॉट, डॉटेड, ऐसा करोगे तो डॉटेड आएगा, डैश एंड डॉट यूज करोगे डैश एंड डॉट आएगा, एग्जाम्पल ऑफ फॉर्मेटिंग, बी ब्लू मार्कर विद डिफॉल्ट शेप, अलग अलग कलर्स, ओके इट्स देयर, सो बी इज ब्लू, जी इज ग्रीन, रेड, सी इज साइन, मैजेंटा, येलो, ब्लैक, व्हाइट, ओके क्लियर। सो इफ यू हैव एनी रिक्वायरमेंट, तुम्हारा साइन कलर दयाचा है, सो यू कैन गिव, राइट क्लियर। और बाय द वे वो बेसिक सबको पता है ना, ये मैटप्लॉटलिब का लाइब्रेरी, डॉट प्लॉट इज अ फंक्शन, हम क्या पास कर रहे हैं, ये आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हैं राइट, दिस इज अ डेटा एक्स एंड वाई है, बाकी ये सारे पैरामीटर्स है राइट और उनके वैल्यूज, वो क्लियर ना, स्कैटर प्लॉट देख रहे थे हम, वी यस्टरडे वी एंडेड अप एट स्कैटर प्लॉट, एक फ्लावर नाम का डेटा सेट है, बाय द वे इनबिल्ट डेटा सेट्स आर देयर, सीबॉन जो लाइब्रेरी है उसमें इनबिल्ट डेटा सेट्स है, SNS डॉट गेट डेटा सेट नेम्स, ये फंक्शन कॉल करोगे यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ डेटा सेट्स, ये देखिए अवेलेबल सीबॉन डेटा सेट्स, एनाग्राम,
कॉम्बे, अटेंशन, ब्रेन नेटवर्क्स, फ्लाइट्स, ट्रिप, टैक्सी, टाइटैनिक, एक्सरसाइज, ग्लू, कुछ स्टैंडर्ड डेटा टाइप है ऑलरेडी बिल्ट इन थ्रू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में ही अवेलेबल है इफ यू वांट टू परफॉर्म एनीथिंग। ओके, सो वन ऑफ द आइरिस एक फ्लावर फ्लावर रिलेटेड डेटा टाइप है, डेटा सेट है, वो हम लोड करते हैं। ओके, आई विल कॉल देम फ्लावर डीएफ। सो सेपल पेटल, जस्ट सेकंड, सेपल पेटल, डू यू नो एनीथिंग? लेट्स सी द डायग्राम्स। फ्लावर्स मतलब फ्लावर से पार्ट ऑफ सेट यहाँ पे है, पहले देखिए फ्लावर्स एकदम उसे बंद सेपल्स करिए। ये देखिए, दिस इज कंप्लीट पेटल्स एंड दिस इज लेटर सेपल। तो इसके सबको लेंथ के ऊपर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ्लावर है, क्योंकि हर एक फ्लावर का अलग अलग रहता है। दिस इज व्हाट द डेटा सेट इज। वहां पे तीन चार डेटा टाइप्स है, फ्लावर के टाइप्स है। वो पेटल और सेपल के लेंथ के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा फ्लावर है, ऐसा सिंपल डेटा टाइप डेटा। तो हमने वो डेटा सेट लोड किया एस एन एस, आई एम कॉलिंग द लाइब्रेरी, लोड डेटा सेट आईरिस, एंड फ्लावर डीएफ, सेपल सेपल, पेटल पेटल एंड स्पीसीज, लेंथ विड्थ और उसके स्पेसेस। स्पेसेस में सेटोसा, वर्जिनिका अलग अलग है। बाय द वे टाइप देखिए सीरीज है, इंडिविजुअल कॉलम का टाइप सीरीज है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। फ्लावर्स डॉट स्पीसीज, स्पीसीज मतलब ये, एक डॉट यूज कर सकते हो, नहीं डायरेक्टली स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर सकते हो, राइट, टू यूज अ इंडिविजुअल कॉलम फ्रॉम डेटा फ्रेम। देन डॉट यूनिक क्या करता है, यूनिक एलिमेंट्स देता है। तो यूनिक कौन कौन सा है, देखिए स्पेसिस में यूनिक सेटेसा, वर्सिकुलर, वर्जिनिका, ऐसे तीन टाइप के फ्लावर है, उनसे रिलेटेड डेटा हमारे पास है, उनका लेंथ विड्थ, लेंथ विड्थ, लेंथ सेपल पेटल। ओके, लेट्स गो विद द PLT डॉट प्लॉट। बाय डिफॉल्ट हम प्लॉट करेंगे, देखते हैं कैसा आता है। सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ का मैंने प्लॉट किया है लाइन चार्ट। ओके, इफ यू सी ऐसे दिखता है ये, विल दैट मेक एनी सेंस? नो ओके, सो ये दिखाने का एक ही ऑब्जर्वेशन है, आपको प्लॉट करना आता है, इसका मतलब हर जगह पे PLT डॉट प्लॉट नहीं चलता। ओके, इट डिपेंड्स ऑन वॉट काइंड ऑफ डेटा यू आर डीलिंग विथ। टाइम सीरीज है, टाइम रिलेटेड कुछ डेटा है, मतलब एक जगह पे मंथ, डेज, डेट, टाइम, एंड देन ऑन द अदर एक्सेस यू आर एक्सप्लोरिंग की सेल्स, प्रॉफिट, अदर कंटिन्यूअस वेरिएबल्स, उस टाइम पे आप प्लॉट यूज कर सकते हो, PLT डॉट प्लॉट। ओके, इट विल गिव अ लाइन, प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस होगा उसका, वेरिएंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह आपको पता चलेगा। बट इफ इट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट मतलब ऐसे व्हीकल के नेम्स है, उनका कलर है, उनका ब्रांड है, राइट, ब्रांड वाइज आपको कुछ दिखाना है कौन से ब्रांड के कितने हैं। देखो आवाज कहाँ नहीं ओके, ऑनलाइन गुड, कैन यू स्पीक समथिंग, बिकॉज आई गेस देयर इज ऑडियो इशू। हेलो सर, ओके, ऑडियो नो इश्यू सर, वॉइस इज क्लियर। क्लियर है? हेलो, बिकॉज वी यस आर सर, यस वेटिंग सर। इन, ओके, नोटिफिकेशन इफ पीपल आर वेटिंग और नॉट, दैट्स व्हाई। तुम्हारा आ गया था आवाज, वॉइस इज क्लियर, नोटिफिकेशन बजा ना? नहीं, वेट। यही तो जन्मी ग्रुप पर मैसेज कर दिया। ओके ओके, इफ यू फील, इफ यू फेस एनीथिंग, मे बी यू कैन पुट इन अ ग्रुप। यस सर। ओके, ठीक है, सो होप एवरीबॉडी इज इन राइट। बाय द वे, इफ यू आर नॉट, यू कैन कॉल डायरेक्टली, कॉल मी ऑन माय नंबर, सो दैट वी विल गेट एटलीस्ट, इफ
call somebody who is attending offline because I don't know why it is not showing the notification. Okay, if you are, if I don't admit you, then maybe you can call me direct. Call anyone. Okay, or one more option, you can join in time or 2 minutes early. That can be one of the option. Okay. So the best possible graph for such type is scatter plot, and mostly scatter plots are used to find a relation between two variables. Okay, and line charts are used for trend analysis or to see a variation on basis of time. If you have something related with the time, then you can draw a line chart something, or you can plot, or you can use a line related chart. But if you want to find a relation between two variables where textual data is there, that time you can use a scatter plot. Maybe relate not only textual but relation between maths and science. मतलब आपको चेक करना है whether student has scored better mark in maths, then he can only score in science. As in, if he scores good mark in maths, does he scores good marks in science as well? आपको ये चेक करना है relation, you can use a scatter plot. तो वो तब पता चलेगा आपको. चेक कीजिए whether highest scorer कौन है दोनों में वगैरह, right? Hope you understood everyone कि कौन सा graph कब use करना है, that is tricky and that you should know. आपको scatter plot, scatter plot, x, y, sepal length and width, okay? If I execute, अभी आपको पता चलेगा कि इस पे length है, if 7 meters or यूनिट जो भी है 7 meter और 7 centimeter और 7 mm, उस लेंथ के ऊपर क्या वेरिएशन है यह देख सकते हो. पेटल कैसे होगा और उसका विड्थ कैसे होगा, लेंथ वर्सेस विड्थ. ओके, आई कैन क्लियरली सी जो भी फ्लावर्स है हमारे इस एरिया के अराउंड है सब कुछ, और यहाँ पे कुछ ये है क्लस्टर, मतलब यहाँ पे बहुत सारे है. तो नॉर्मली फ्लावर्स विल ऑकर फॉर, उनका लेंथ इतना होगा और उनका विड्थ इतने रेंज में होगा ऐसे. हाँ, देयर कैन बी डेफिनेटली, व्हाट इज दिस, दिस इज आउटलायर, राइट, दिस इज आउटलायर, दिस टू आर आउटलायर, क्योंकि ये रिलेशन और ये कुछ यूनिफॉर्मिटी फॉलो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट इन द ग्रुप, इसलिए उनको आउटलायर बोला जाता है. बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल उनको कुछ, दे माइट हैव सम एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर, और नहीं तो बहुत ज्यादा पानी दिया होगा वाइल प्लांटेशन वगैरह. सो अनसर्टन बिहेवियर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम आउटलायर. और हर एक डेटा में आउटलायर्स रहते हैं, बट आउटलायर्स के लिए एक दूसरा ग्राफ है जहां पे आप आउटलायर्स डिटेक्ट कर सकते हो. करंटली वी विल यूज अ स्कैटर प्लॉट, बट स्टिल वी कैन figure it out ki what is the cluster, but we don't know exactly which type of flower we are observing here. Matlab teen type ke flower hai na, to unke relation kya hai. So I will add color element in this. So what we'll do is length, x is length, y is width, and there is something called hue, h-u-e. I will put a species there, okay, and there is s is size, then plt dot show. देखिए अभी, नाउ कैन यू कोरिलेट, हर एक कलर का टाइप दिया है, कलर वाइज फ्लावर का टाइप है, ब्लू सेटोसा वर्सिकलर, और एंड देन यू कैन सी द, मतलब सारे जो सेटोसा है उनका लेंथ एंड विड्थ इसमें रहेगा, एंड बाकी के दोनों का मिक्स रहेगा थोड़ा थोड़ा, है ना. सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली क्या है. सो देयर इज पैरामीटर कॉल्ड ह्यू, h-u-e, इट इंश्योर्स यू पुट अ कलर, एज इन you can differentiate based on the color जो आपका data है. S is a size. Then customizing seaborn figures. By the way, हम SNS library use कर रहे हैं, which is a seaborn वाला. It's a
मतलब पीएल जैसे हमने नंपाई पढ़ा था एंड देन उसके बाद पांडास, तो पांडास में थोड़े एडवांस ऑप्शन अवेलेबल है एंड इट्स सिंपल, तो इसीलिए सीबॉन में सिंपल ऑप्शन है, यू डोंट इवन हैव टू गिव अ लीजेंड कलर वगैरह, राइट। तो डायरेक्ट कलर चूज किया है, स्पीसीज ह्यू आप पास करोगे तो वो डायरेक्टली कलर चूज करेगा एंड इट विल गिव लीजेंड्स, इट विल गिव कलर्स, वो अपने आप सब सेट करेगा। जस्ट एडवांस वर्जन ऑफ मैटप्लॉटलिब। एसएनएस यूज सीबॉन यूज करना है तो सीबॉन यूज कर सकते हैं, एंड मैटप्लॉटलिब यूज करना है तो मैटप्लॉटलिब। क्लियर? कौन से कंचार मुझे यूज कर सकता हूँ? हाँ, यू कैन यूज एनीथिंग। सो एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट एंड यू कैन कंबाइन ऑल्सो, मतलब पीएलटी पण कंबाइन करू शकता, मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन कंबाइन करके आई कैन एग्जीक्यूट द कोड। पीएलटी क्या कर रहा है यहाँ पे, फिगर एज इन इमेज का साइज और हमारे चार्ट का साइज डिफाइन कर रहा है, ओके, विड्थ एंड हाइट, टाइटल भी दे रहा है इसको, देखिए। बट आगे नीचे मैंने सीबॉन यूज किया है एसएनएस का, स्कैटर प्लॉट, देखिए यू कैन सी पीएलटी, राइट, ये यहाँ पे आ रहा है साइज, क्योंकि ये 12x6 ऐसे विड्थ में आ रहा है, दैट्स द ऑप्शन, ओके। सी अगेन, ठीक नहीं आ है ना आवाज, है। नोटिफिकेशन, ओके, हाँ ओके, आई गेस नेक्स्ट टाइम इट विल लोड नाउ। ओके, देन डेटा फ्रेम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। टाइटल एस एन एस डॉट स्कैटर प्लॉट, एक्स इज इक्वल टू लेंथ, वाई इज इक्वल टू विड्थ, ह्यू स्पीसीज एस साइज है, और डेटा में फ्लावर डेटा फ्रेम डीएफ, मतलब डेटा एज अ सेपरेट आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। ऊपर हमने क्या किया था, इंडिविजुअली डायरेक्ट हमने कन्वर्ट करके पास किया था डेटा फ्रेम का कॉलम। इफ यू डोंट वॉन्ट टू डू, आपको सिर्फ नाम लिखना है कॉलम का, दैट ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल। मतलब एक्स में कॉलम का नाम लिखिए, वाई में कॉलम का नाम लिखिए एज अ टेक्स्ट, एंड डेटा में डेटा सेट पास कर दीजिए। सो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल हियर। डेटा इज इक्वल टू फ्लावर्स डीएफ, एक्स में कौन सा कॉलम आना चाहिए, वाई कौन सा आना चाहिए, ह्यू एज इन कलर्स में कौन से कॉलम आने चाहिए, ये तीन कॉलम हमारे डेटा फ्रेम में अवेलेबल है, राइट। एंड साइज इज दिस, ये मार्कर का साइज है, ओके, यू कैन पास 50 एज वेल, देखिए छोटे हो गए, एंड लीजेंड वगैरह कुछ नहीं किया फिर भी ऑटोमेटिकली आ गए हैं यहाँ पे, ओके। द नेक्स्ट टाइप ऑफ चार्ट इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम हम यूज करते हैं टू फाइंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डेटा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा। सो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब दिस इज कॉल्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा, हर एक नंबर का कितने बार ऑकरेंस है, और टू चेक द ऑकरेंस ऑफ द डेटा, सिंपल वर्ड, यहाँ पे तीन जीरो है, ये तीन कितनी बार डेटा फ्रेम में आ रहा है, ये मान लीजिए तीन आ रहा है समवेयर अराउंड 20 टाइम्स, ओके, फिर उसके बाद चार आ रहा है, कहीं तो 3.6 है, 3.6 कितनी बार आ रहा है, चलो 30 टाइम्स, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। 3.4 कितनी बार आ रहा है, ओके, समवेयर रिलेटेड टू 50 टाइम्स, राइट। तो ये ग्राफ जनरली ऐसे बिल्ड होता है, यहाँ पे आएगा 30 और ऊपर कहीं तो आएगा 50 समथिंग, एंड देन अगेन सम नंबर्स विल बी कमिंग डाउन, 30 वगैरह, 30 40, राइट। और ये नंबर्स यहाँ पे रहते हैं, एज इन यहाँ से स्टार्ट होगा 2.0, 2.1, 3.0, ऐसे डॉट 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 करके 3.5, हर एक नंबर, मतलब हर एक नंबर कितनी बार आया है ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नथिंग बट काउंट कर रहे हैं, इसको भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी काउंट, मतलब हर कितनी बार वो नंबर
आ रहा है अपने डेटा में, और ये जो ग्राफ बनता है काउंट करके, दिस इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। इसके इस बेसिस पे आपका आपके डेटा के बिहेवियर का मतलब स्टडी होता है आगे जाके। दोज हु वांट टू लर्न स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस, डेटा साइंस में इस कर्व को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस कर्व के ऊपर आप जो प्रिडिक्शन करने वाले हो वो डिपेंड करेगा। ओके, प्रिडिक्शन होगा, एनालिसिस होगा, वट एवर, इफ यू वॉन्ट टू बिल्ड एनी लॉजिक। सो इसके दो तीन टाइप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा रहेगा, नहीं तो पॉजिटिवली स्क्यूड रहेगा, नहीं तो ऐसा निगेटिवली स्क्यूड रहेगा। राइट, क्लियर? सो थोड़ा वंस यू गेट टू नो, मतलब एक बार आप 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया एनालिस्ट का, देन यू कैन ट्राई योर हैंड्स इन द एनालिट मशीन लर्निंग मॉडल बिल्डिंग वगैरह। तब आपको ये बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, व्हाई दिस थिंग्स ऑकर, हाउ टू क्रिएट डेटा को बैलेंस कैसे करना है, ओके, स्क्यूनेस क्या रहता है, कर्टोसिस, ऑल दोस थिंग्स कम इन टू दिस, एंड ऑल दैट, ऑल दोस प्रॉपर्टीज ऑफ द डेटा विल इम्पैक्ट योर प्रोजेक्शन, और आप कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो तो उसपे मैटर करता है। ओके, बट इन सिंपल वर्ड्स विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हिस्टोग्राम, हाउ टू प्लॉट इट, हाउ टू बैलेंस द डेटा, ऑल दोस थिंग्स आर नॉट करेंटली रिक्वायर्ड। ओके, सो लेट्स सी पीएलटी डॉट हिस्ट टू प्लॉट हिस्टोग्राम। जैसे पीएलटी डॉट प्लॉट, देन द पीएलटी डॉट हिस्ट इज फॉर हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में एक कॉलम आप पास कर सकते हो, सो दैट डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आए। यहाँ से नाउ यू कैन ऑब्जर्व, अभी इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, 2.0 कितनी बार आ रहा है, 5 बार ऐसे। ओके, 2.5 कितनी बार आ रहा है, समथिंग अराउंड 7 और समथिंग लाइक दिस। ओके, 3 कितनी बार आ रहा है, देखिए यहाँ पे ऐसे, यू कैन ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस। एंड देन इसका मतलब द वैल्यूज विच आर बिटवीन 2.0 to 2.5, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ऐसे ग्राफ को डिस्ट्रीब्यूट। बाय द वे ये एक्चुअली नॉर्मल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैन यू ऑब्जर्व समथिंग लाइक दिस, थोड़ा यहाँ पे कुछ गैप है, यहाँ पे गैप है, बट ओके, इतना एक्यूरेट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा। बाय एंड लार्ज इफ इट इज फॉलोइंग द नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स ओके। plt डॉट हिस्ट पास द कॉलम और सीरीज, एक्चुअली डेटा फ्रेम का कॉलम मतलब सीरीज होगा ना। ओके, देन ऑब्जर्वेशंस, वी कैन इमीडिएटली सी दैट द सेपल विड्थ लाई इन द रेंज ऑफ 2 to 4.5, अराउंड 3.5 आर इन द रेंज, मतलब सबसे ज्यादा कौन से लेंथ में आता है, 3.0 to 3.5, इस रेंज के बहुत ज्यादा फ्लावर्स है विड्थ वगैरह। ओके, इसके इससे रिलेटेड कई प्रॉपर्टीज, हिस्ट टाइप, हिस्टोग्राम का टाइप, स्टेप, अंदर का ब्लैंक हो जाएगा, ऊपर ऐसा आएगा। देन बिन्स, बिन इज कितने कितने स्टेप्स में आपको फॉलो करना है, एज इन 1, 2, 3 और 4, ये एक बिन हो गया इतना। ओके, ये यहाँ से एक बिन, 2, 3 और ये 4, मतलब कितने स्टेप्स में, कितने ग्रैनुलरिटी के, कौन सा चाहिए, 2 to 2.5 चाहिए या 2 to 3 चलेगा आपको, या 2 to 5, 2 to 5, 5 to 7, 7 to 9 ऐसे रेंज में, नहीं तो 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, कितने ग्रैनुलर लेवल पे आपको डेटा विजुअलाइज करना है वो बिन्स डिसाइड करेगा। ओके, सो बिन्स आई हैव टेकन 4, यू कैन पुट इट अ 5 एज वेल इफ यू वॉन्ट। सो 5 स्टेप्स में ये डिवाइड होगा डेटा। क्लियर एवरी वन? क्लियर? अगेन हिस्टोग्राम, हिस्ट इज देयर। बिन्स में आप रेंज भी पास कर सकते हो इफ यू डोंट वॉन्ट टू गिव एब्सोल्यूट नंबर, तो वो अपने आप डिसाइड करेगा। 2, अभी देखिए आई एम गिविंग फाइन, एग्जैक्ट बहुत फाइन डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो ये कैसे होगा, कैन एनीबडी डिकोड दिस एनपी डॉट रेंज, ये कैसे आउटपुट आएगा यहाँ पे, स्टार्ट कहाँ से होगा, 2 से, स्टेप क्या है, 0.25, मतलब डिफरेंस क्या आएगा, 2.25, इन दोनों का डिफरेंस देखिए आ गया 0.25, हाँ
नेक्स्ट नंबर विल बी 2.50। इन दोनों का डिफरेंस देखिए आ रहा है 0.25। तो ऐसे दिस विल कंटिन्यू टिल डॉट 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 5, और 5 आना चाहिए ना यहाँ पे सर, 5 राइट, ओके गुड, 4 एंड माइनस 1। यस ऑनलाइन व्हाट शुड बी 5। बाय द वे फार्मूला क्या था अपना, फॉर्मूला ऐसे बोला था बहुत बार, स्टार्ट एंड माइनस 1 एंड स्टेप। यस यस, सो व्हाट शुड बी देयर हियर, स्टार्ट कॉमा एंड, हम ऐसे ही लिखते थे ना, कॉमा स्टेप, यही था ना पाइथन, पाइथन में जो हमने सीखा था स्टार्ट स्टेप इज 2.5, 5 में एंड, एंड में क्या आएगा फिर, एनपी राउंड रेंज यहाँ पे आ गए 4.75। क्यों क्यों ऐसे क्यों आ गया, एनी आइडिया, हाँ स्टेप क्या है, 0.5 है ना तो उतना ही पीछे जाएगा। बिन्स के बारे में, दैट्स द यू कैन गिव मैनुअल, लिस्ट के फॉर्म पे भी दे सकते हो आप, मतलब 1, 2, 3.5, 3.5 to 4 एंड 4.5। अनइवन आपको डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है, तो मैंने देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 से 3.5 के बीच कितने हैं वो लिखा है, 3.5 to 4 एंड 4.5। बाय द वे ये आउटलायर हो गए, इफ आई वांट टू चेक समथिंग एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है, तो उससे रिलेटेड हमने प्लॉट किया है। इफ यू वांट टू प्लॉट मल्टीपल हिस्टोग्राम्स अगेन व्हाट शुड वी डू, दो बार लिखिए plt.hist, मल्टीपल हिस्टोग्राम, मल्टीपल लाइन कैसे प्लॉट करते हो आप, दो बार लिखें, मल्टीपल लाइन प्लॉट करने के लिए यू राइट plt.plot 2 टाइम्स, 3 बार plt.plot 3 टाइम्स, ओके, एंड सेम गोज विद द हिस्टोग्राम, इफ यू वांट टू प्लॉट मल्टीपल हिस्टोग्राम्स रिपीट plt.hist। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, नथिंग मच टू, मतलब ऐसा कुछ लॉजिकल और प्रोग्रामेटिकल कुछ वर्किंग नहीं है यहाँ पे, सिंपल, यू नो दिस इज लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज में क्या होता है, अलग अलग पाइथन के कोड्स रहते हैं जो आपने नहीं लिखा, समबडी हैज क्रिएटेड, यू हैव इंस्टॉल्ड, राइट, देन हिस्ट क्या है, हिस्ट इज अ फंक्शन और अ मेथड, राइट, देन उसके अंदर व्हाट यू आर पासिंग, डिफरेंट डिफरेंट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स है, अलग अलग फंक्शंस, क्लियर, सो होप इफ You have studied a basic, इसलिए we have spent quite a time understanding Python, how Python works, because using library is not a big deal. मतलब एक बार आपने Google किया, नहीं तो एक बार एक library refer किया, you can plot unlimited diagrams, right? But basic understanding होना चाहिए what you are doing, what is range, what is list, why we are passing multiple values. डेटा फ्रेम क्या है, सीरीज क्या है, राइट, ये दिस इज नथिंग बट अ सीरीज, राइट, सो यू शुड बी नो व्हाट वी आर पासिंग। ऑलवेज नथिंग बट ओपेसिटी, ओपेसिटी इज फेंट, कितना फेंट और डार्क है, देखिए कितना फेंट हुआ है ना कलर, व्हाई, बिकॉज़ आई एम गिविंग इट एज अल्फा एज अ आर्ग्यूमेंट हियर, क्लियर, इफ यू पुट इट 1 एंड दिस इज 0, okay okay, and you load a multiple, by the way flowers species is equal to setosa, matlab filter lagaya hai maine on species, aur wo filter ka data setosa naam ke data frame mein store kiya hai, koi bhi column is equal to, double equal to kya karta hai, compare karta hai na, kiske sath compare karega, setosa, abhi iske sath versicolor and virginica, एंड उससे रिलेटेड 3 डेटा फ्रेम मैंने क्रिएट किए हैं, एंड देन वी आर डूइंग अ प्लॉट ऑन इंडिविजुअल डेटा फ्रेम्स,
सेटोसा का डेटा फ्रेम एंड वर्सिकुलर का डेटा फ्रेम, उसके सेपल के विड्थ के ऊपर हम प्लॉट कर रहे हैं। क्लियर? ओके, व्हाई इट इज एनपी एनपी बिकॉज आई चेंज द अल्फा राइट, ये इसलिए दिख रहा है वो। लेट्स मेक इट प्रॉपर, दैट्स व्हाई ओपेसिटी डिपेंड्स, ओपेसिटी कैसे एडजस्ट करना है आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। इफ यू डोंट वॉन्ट, मतलब आपको ऐसा कुछ ट्राई नहीं करना है, डोंट पास दैट पैरामीटर, सारे पैरामीटर डिफॉल्ट है। डेटा पास कीजिए, हिस्टोग्राम प्लॉट कीजिए, डन विथ योर वर्क। बट इफ यू वॉन्ट एडिशनल सेटिंग्स, अलग अलग पैरामीटर्स है इसमें। अगेन डेटा सेट के नाम्स हमने लोड किए हैं, यू कैन सी डॉट डाउ जोन्स। बाय द वे डाउ जोन्स इज नथिंग बट इंडेक्स, यूएस जैसे अपना शेयर मार्केट में निफ्टी है वैसा यूएस में डाउ जोन्स है इंडेक्स। If you want to make something related to stock market, तो ये डेटा सेट डायरेक्टली आप यूज कर सकते हो। Legends we are passing, Setos and all, right? And just it's a histogram, but multiple and stacked is one or above because it was overlapping. इसमें overlap हो रहा है, यहाँ पे एक के ऊपर एक रहेगा। Stacked मतलब एक के ऊपर एक रखना ऐसे, okay? So that's how you are getting this multiple data frame but stacked form में चाहिए आपको तो, okay? बाकी सब कुछ title, legend, figure size and x level, y level, all those parameters work will work as it is. हमने PLT use किया है as in matplotlib, आप seaborn भी use कर सकते हैं, SNS hist plot नाम का function है यहाँ पे, seaborn है। seaborn will give something like this, automatically उसने title, sorry, legends वगैरह लिया है, bins create किया है, थोड़ा advanced options है, right? So even though आपने x and y axis label define नहीं किया होगा, फिर भी आपको वो दिखेगा क्योंकि seaborn वो automatically x and y consider कर देता है, थोड़ा advanced version है matplotlib का। So next is a bar chart, again to this data का, और वहां पे हमने देखा individual column का distribution। यहाँ पे if you want to understand distribution as well as trend, मतलब whether data इस महीने का कितना data है, next month का कितना है, next month का, तो data का trend देखना है तो you should use a bar chart, as well as categorical values है, मतलब sales changing over time, you can show it as a line chart as well as and bar chart. तो bar chart का advantage ये है कि bar chart and line chart combine करके आप और बहुत कुछ दिखा सकते हो, such as profit bar पे दिखाइए, line chart पे sales दिखाइए, मतलब sales बढ़ता है फिर भी profit कम हो सकता है, that could be possible, और sales कम हो रहा है फिर भी profit बढ़ रहा है, why? Because आपने कुछ price increase किया होगा। So multiple trend दिखाने के लिए आप अलग अलग चार्ट्स यूज कर सकते हो, उसका ही टाइप है एक बार चार्ट। तो ईयर एप्पल ऑरेंजेस विल कैरी विद द सेम एग्जांपल, एंड देन प्लॉट, प्लॉट से लाइन आएगा, बार से बार चार्ट है, पीएलटी डॉट बार, राइट? ईयर्स एंड ऑरेंजेस देखिए, एंड कंबाइन करना है तो दोनों कंबाइन भी कर सकते हो, प्लॉट एंड बार, टाइटल दीजिए इसको, बाय द वे ये देखिए, राइट? नीचे क्या है, ईयर वर्सेस ऑरेंज, और ये जो तीन पैरामीटर, रेड कलर डॉटेड लाइन, राइट? वो मतलब ये मार्कर का टाइप, सर्कल वगैरह याद है ना, एंड देन दीज आर द बार। बाय द वे हम मैटप्लॉटलिब यूज कर रहे हैं इसलिए एक्स एंड वाई एक्सिस नहीं आ रहे, तो आपको इंडिविजुअली देना पड़ेगा, पीएलटी डॉट एक्स लेबल, पीएलटी डॉट वाई लेबल, पीएलटी डॉट लीजेंड, पीएलटी डॉट टाइटल, PLT dot figure size, और आपको कुछ पैरामीटर्स देना है, वो
opacity, darkness, जो भी है वो, all those things, line width, line style, that you can pass. We have done here label, label, title, legend, and we are passing a multiple bar. दो bar chart हमने draw किया है, but we are specifying bottom, up and down में कौन रहेगा? एक bottom में रहेगा, एक top में रहेगा. जैसे stacked stack रहता है one over another, that is also possible here. Okay? कोई wait नहीं कर रहा है ना? Okay. PLT dot bar ears apple ears oranges right so it just a practice ऐसा नहीं एक बार आप practice करो समझ लो कि कौन सा functions कौन से function से क्या होता है then you can plot there is one line command one line का program है ये PLT dot bar आपको data pass करना है right यही है ये इस line के वजह से plot हो रहा है ना ये so one line of code you need to write So not a big deal. Figure आपको थोड़े size increase करना है chart का वगैरह. You can pass this argument. Horizontal bars draw करने हैं ऐसे. Bar H bar horizontal, right? देखिए. Yield Kashmir apple legends वगैरह. Any doubt? कुछ डाउट्स है नहीं है आप लोग टैलेंटेड हो वैसे सो नॉट एन इश्यू इतनी बार हमने वो इटरेट किया है फंक्शन 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 सीरीज सीरीज राइट सो नाउ इट इज इजी टू अंडरस्टैंड दैट्स व्हाई पीपल से बेसिक क्लियर असल लाइक इफ योर बेसिक्स आर क्लियर यू कैन इजीली लर्न थिंग्स एंड जस्ट एग्जांपल सी If you refer this line of code, basic clear होना मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये पता होना चाहिए. ये क्यों लिखा है मैंने? ये क्यों दिया है? इसका मतलब क्या? ये क्या है? ये क्या है? ये is equal to क्या है? Right? This is what basic means. Not a big deal. Again, if you don't know anything, find out कैसे करना है. Documentation refer करना है. Right? All these things will matter. फिर bar plot में देखिए shift and tab. Documentation के आपको देखिए कितने parameters है यहाँ पे. X दिया है, Y दिया है, data है, right? Hue order मतलब hue color कौन से order पे pass करना है वो भी दे सकते हो आप. Hue दे सकते हो. Hue as in color. अलग-अलग color के basis पे chart. Estimator कुछ है. Mean, mean, median, mode related कुछ calculations रहेंगे इसमें. Unit Seed orientation palette. अभी now it is going too much. Saturation. You need to learn. ये देखिए. Specific word. आपको ऐसा कुछ requirement है जहाँ पे कुछ publish करना है graphs online. तो उस case में थोड़े standards follow किए जाते हैं. तो वो standard के लिए सब कुछ detail दिया गया है. There is something called cap size. Error KWS CI. CI is deprecated, error color, error width, AX is nothing but axis. Axis नाम का एक variable generate होता है इसमें. और उसके examples हैं. Deprecated means it is no longer in use. So this feature will be removed in next version. So this is called deprecated. अभी work हो रहा है, okay? But in next version it will be removed. So this is called deprecated. So आप डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करोगे तो उसमें वो लिख के आएगा हर जगह पे डेप्रिकेटेड डेप्रिकेटेड नहीं तो यूट्यूब का वीडियो फॉलो करते हो कई टाइम पे उस पे वर्क होता है उनके वीडियो में आपके वीडियो में वर्क नहीं होता वो मतलब आप प्रैक्टिकली करते हो तो दैट टाइम इज क्वाइट पॉसिबल दैट फीचर इज नो लॉन्गर सपोर्टेड और वो रिमूव किया जाता है सो दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेटेड सो दैट फीचर यूज टू बी देयर बट नाउ इट इज नॉट सपोर्टेड ओके क्लियर सीबॉन यूज करके आई हैम प्लॉटिंग अ बार प्लॉट एसएनएस डॉट हिस्ट प्लॉट एसएनएस डॉट बार प्लॉट एसएनएस डॉट स्कैटर प्लॉट इफ यू आर ऑब्जर्विंग पीएलटी जो मैटप्लॉटलिब है उसमें डायरेक्टली अपने नाम लिखा है बार एच प्लॉट लाइन
और सीबॉन में हमने प्लॉट लिखा है सबके आगे, बार प्लॉट, स्कैटर प्लॉट, राइट, हिस्ट प्लॉट, ऐसे लिखा है सीबॉन लाइब्रेरी में. सो एक्स आई एम लोडिंग अ डेटा रिलेटेड टू टिप्स, जो होटल में टिप्स वगैरह देते हैं, एज इन इंडिया वी डोंट फॉलो बट इन अदर कंट्रीज. In other countries, it is compulsory. If you go in other US, naito mostly Scandinavian countries, Norway, Sweden, Greenland वगैरह, वहाँ पे वो compulsory होता है. Like tip देना is not optional. Okay? India में वो tradition follow नहीं होता, but in US or any other countries it is followed, वो compulsory रहता है. तो उससे related data है. मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल बिल कितना हुआ है और उन्होंने टिप कितना दिया है और पर्सन किसने पेमेंट किसने किया है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, राइट, और वो स्मोकर थे या नहीं है, डे कौन सा था, संडे था या नहीं है, डिनर या लंच, एंड साइज कितने लोग थे, राइट. तो इसके बेसिस पे एनालाइज होता है. इससे क्या होता है कि डिपेंड करता है जिस टाइम पे टिप्स ज्यादा मिलते हैं उस टाइम पे जो काम कर रहे हैं उनको पेमेंट कम देते हैं. दैट व्हाट इट हैपेंस. इसीलिए वो डेटा एनालिसिस वगैरह करते हैं. अगेन डिपेंड्स आपका यूज केस क्या है उसके ऊपर है. इट्स नॉट लाइक मैं ऐसा लाइक ऐसा किया जाता है इट शुड बी डन नॉट डन गुड बैड. इट्स अप टू द बिजनेसेस, इट्स अप टू द वो जो फॉलो कर रहे हैं. आपका काम है एनालाइज करना. You can analyze, find the insights, give action steps to them. Okay? तो इसे से ही related हमने ये एक bar plot draw किया है. उसमें हम x में day pass कर रहे हैं, y में total bill pass कर रहे हैं, data में tips. So अभी आप देख सकते हो कि Sunday के दिन tips ज्यादा मिलते हैं, Saturday के दिन थोड़े कम है, Friday के दिन सब मतलब most of the time कम है, Thursday थोड़ा ज्यादा है, right? तो ऐसा कुछ ट्रेंड आप एनालाइज कर सकते हो. बाय द वे दिस लाइंस आर नथिंग बट एवरेज टिप. मतलब एक दिन में एवरेज कितना दिया है ये डिफाइन करता है लाइन. सो लाइन छोटा है मतलब उस दिन 10 रुपए वगैरह एवरेज आया होगा. लाइन बड़ा है इसका मतलब उस दिन समवेयर अराउंड 15. एक्चुअली वो परसेंटेज में रहते हैं टिप्स फॉरेन में. यू डोंट गिव अ डायरेक्ट वैल्यू 10 रुपए 20 रुपए. You given a percentage, as in आपका बिल कितना हुआ है उसके ऊपर 5%, 10%, 20% ऐसे आप मतलब होता है. हाँ जैसा GST हमारे लगता है. ओके हम सरकार को टिप देते हैं क्या? ले लो तू भी क्या याद रखे है ना. ओके सो यस सो दिस इज हाउ यू कैन डू. देन आई कैन यूज अ कलर फॉर टाइम. मतलब लंच एंड डिनर इस कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं. देखिए फ्राइडे के दिन डिनर में सबसे ज्यादा बिल हो रहा है एंड लंच में थोड़ा कम हो रहा है. सैटरडे संडे आई गेस ऑफ लंच इज नॉट देयर. ओके देन डिनर फिर उससे रिलेटेड एवरेज कितना है कौन सा दिन था. नॉट ओनली दिस जेंडर वाइज भी किया होगा कहीं तो. यस जेंडर वाइज ही हो. देखिए मेल एंड So who is giving most of the tip? आप ऑब्जर्व कर सकते हो मेल आर पेइंग मोर एज अ टिप, राइट. लड़कियों को खाना अच्छा नहीं लगेगा है ना, हर बार लगता ही है, ऐसा नहीं है. ओके ऑनलाइन समझ में आ रहा है. वी आर डूइंग वेयर आर ओके गुड. ओके सिंपली बिकॉज फीमेल नोज हाउ टू कुक, राइट, दैट्स व्हाई देयर टेस्ट पैलेट्स आर गुड. लड़के के कुछ भी खाते हैं इसीलिए भाई ले लें स्वीट टिप है ना. इज दैट ट्रू? यस ऐसा नहीं है. इवन मेल आर ऑल्सो नाउ Demanding, as in they want something better. ऐसा नहीं ना, वो जमाना गया, right? Okay.
ओके सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप. मैप का एक दूसरा टाइप है कॉल्ड हीट मैप. हीट मैप इज जनरली टू शो डिस्ट्रीब्यूशन एज इन डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली नहीं बता सकते बट इफ यू वांट टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन द डेटा डायरेक्टली विद द ग्राफ वगैरह प्लॉट करने के बजाय आपको विद हेल्प ऑफ कलर और ग्रेडियंट यूज करके आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है. देन मे बी यू कैन यूज अ हीट मैप. और डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ नहीं आ रहा है मतलब लाइन चार्ट हमने ड्रॉ किया था तो इट वॉज अ मेसी राइट. सो इन विद द रिप्लेसमेंट टू दैट यू कैन यूज अ हीट मैप. वॉट इट विल डू इज इट विल जनरेट अ डेटा एंड उसका इंटेंसिटी बताएगा. लेट्स प्लॉट एंड देन मे बी वी कैन अंडरस्टैंड. दिस इज वन ऑफ द फ्लाइट रिलेटेड डेटा है. बाय द वे आई हैड डन अ पिवट पिवट बेस्ड ऑन अ मंथ. ये टेबल था df.pivot किसके ऊपर किए हैं मंथ एंड कॉलम में ईयर वैल्यूज में कितने पैसेंजर थे नंबर ऑफ पैसेंजर्स राइट. सो ईयर यहाँ पे है मंथ यहाँ पे है नंबर ऑफ पैसेंजर्स है. अभी इस डेटा को देख के मुझे रिलेशंस फाइंड आउट करना है और आई वांट टू फाइंड आउट वेदर नंबर ऑफ पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं क्या मतलब जो 1949 में थे और 1960 में थे उसके बीच का रिलेशन. सो plt.title आपको पता ही है डायरेक्टली sns.heatmap फ्लाइट df एग्जीक्यूट. ओ फ्लाइट डेटा सेट लोड नहीं हुआ है. ओके देखिए डायरेक्टली यू कैन पास हियर. अभी ये इंडिकेट क्या कर रहे हैं कैन यू अंडरस्टैंड. पहले तो ये लाइन अंडरस्टैंड कीजिए इस साइड का क्या कर रहे हैं. 600 मतलब फेंट और 100 मतलब डार्क राइट. सपोज यहाँ पे कुछ 100 के आसपास रेंज होगा और यहाँ पे क्या होगा 600 के आसपास. तो पैसेंजर बढ़ रहे हैं राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. नॉट ओनली दिस टॉप टू बॉटम भी ऑब्जर्व कर सकते हो. यहाँ थोड़ा फेंट है यहाँ पे डार है समबडी वेटिंग आई गेस. ओके सो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो ट्रेंड राइट. अब देखिए फ्रॉम 1949 टू 1960 आई कैन ऑब्जर्व द ट्रेंड ओनली विद हेल्प ऑफ कलर. नॉट ओनली दिस अक्रॉस द ईयर थ्रू आउट द ईयर जैन टू कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था. कैन आई से यहाँ पे थोड़े कम है सडनली बढ़ जाते हैं वापस से कम है राइट. अभी हॉलीडेज वेकेशन वगैरह इसीलिए यू कैन ऑब्जर्व. और इसके अलग अलग एनोड ट्रू क्या करता है ये आपका ये चेंज करता है कलर कॉम्बिनेशन. 600 मीन्स डार्क एंड दिस इज व्हाइट. ये थोड़ा लॉजिकल सेंस बन जाता है ना. एंड सी मैप क्या करता है कलर चेंज करता है आपका ब्लू ग्रीन एफएमटी कलर नंबर्स वगैरह जनरेट करता है इसके अंदर. सो इफ यू एग्जीक्यूट हम एक्चुअली ये डिटेल में कल भी देख सकते हैं नॉट एन इशू. यहाँ पे नंबर्स जनरेट हुए है ना एंड 600 इज अ डार्क. जहां जहां पे भी डार्क है वहां पे आप देख सकते हो ट्रेंड. अभी डायरेक्टली इमेज देख के आपको समझ में आ रहा है राइट. बीच में दो महीने के बीच बहुत ज्यादा ट्रैफिक है ऊपर कम है नीचे कम है. फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आप जा रहे हो तो अगेन ट्रेंड इज इंक्रीजिंग राइट. क्लियर सबको. सो अलग अलग टेक्निक्स है डेटा विजुअलाइजेशन के. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आपको चूज करना है. अल्टीमेटली आपको एक लाइन का कोड लिखना है विच एवर ग्राफ इट इज राइट. देखिए sns.heatmap क्लियर एवरीवन. ओके सो वी आर गुड देन. कल अपना आखिरी लेक्चर होगा. विल अंडरस्टैंड ब्यूटीफुल सूप थोड़ा. कल सैटरडे है लेट्स डू इट. We'll finish it up in this week only, right? Hope everybody is okay. Maybe हम जल्दी ले सकते हैं. Depends on you. आपको जल्दी connect करना है तो 3 बजे. Online 3 बजे is okay. 3 o'clock. कल interview actually. Morning okay. Interviews. We are mock interviews python related. आपका python
हो गया है राइट, पाइथन बेसिक वगैरह पे इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ लाइब्रेरी पाइथन बेसिक से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड बाकी हम प्लान कर सकते हैं विच एवर टेक, लाइक आपका एसक्यूएल हुआ है क्या सब लोगों का? सेवन डीए सेवन से हाल है राइट, फक्त डी 8 एट का भी हुआ है यस सेवन एंड एट। सर ओके आपके लिए एसक्यूएल एंड देन ओके विल कंबाइन विल मेक एसक्यूएल एंड पाइथन। आई थॉट कि एसक्यूएल नहीं हुआ है बट एसक्यूएल एंड पाइथन का मॉक इंटरव्यू कल। ओके क्लियर, डीए सिक्स सेवन सॉरी सेवन एट नाइन, सेवन एंड एट एसक्यूएल एंड पाइथन, नाइन एसक्यूएल व्हिच एवर यू फील नाइन सॉरी पाइथन पाइथन। ओके मे बी आपको चाहिए तो आई कैन वी कैन डू असाइनमेंट एक्सेल का इन द मॉर्निंग, आप लोगों के लिए एक्सेल का असाइनमेंट भी प्लान कर सकते हैं। होप यू पीपल आर कंफर्टेबल राइट ऑनलाइन एक्सेल कंफर्टेबल, वी कैन स्टार्ट विद द असाइनमेंट देन इंटरव्यू लेंगे एंड देन वी कैन हैव अ लेक्चर। सर क्लियर एवरीवन, इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर? सिक्स सॉरी सेवन एट नाइन यस ओके, 10 एंड 11 का देखना पड़ेगा, नो वरी सर। सर विल स्टार्ट अराउंड 12 o'clock, 12 बजे शुरू कर देंगे, 12 से 1 नहीं तो 12 से 1 एक्सेल होगा एंड देन 1 to 3 इंटरव्यू, 3 से 4 4:30 लेक्चर। क्लियर क्लियर ओके, चलो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ओके सॉरी जस्ट लवलीन शर्मा जो आला होता त्या कवर लेटर हाँ ते फॉर्मेट पाठवलं होतं, फॉर्मॅट वगैरे नसतं ऍक्च्युअली, ते तुम्हाला बनवून हे करायला, कव्हर लेटर इज कवर नथिंग बट लेटर युअर इंट्रोडक्शन। हाँ म्हणजे नाही ते पाठवणार होते ओके, नाही तुम्हाला पाठवायचं आहे ना सगळ्यांना? नाही ते आधी फॉर्मॅट पाठवणार आहे मग चेंजेस करून त्यांना परत ओके त्याच्यामध्ये व्हेरीफाय। ओके त्यांनी ऍक्च्युअली असं सांगितलं की तुम्ही पाठवा मी फीडबॅक देते, तर आय एम नॉट शुअर। ठीक आहे तुम्ही एकदा पाठवून बघा त्यांना फीडबॅक लेटर, गिव द फीडबॅक अँड देन मे बी यू कॅन डिसाइड। साडे सहा साडे सात पर्यंत तुम्हाला ते विचारायचं होतं का डाऊट? ओके या हाय सुप्रिया संदीप पुष्कर आकाश। हॅलो सर, बाय द वे होमवर्क क्विकली प्रेझेंट कीजिए समबडी because we decided right yesterday someone will present so quickly chalo who will present kijiye and then tell us what are your insights, aapne kya kya kiya hai, pivot table kaise banaya hai? I will share my screen sir. Okay sure Is it visible, sir? Yes, it is visible. Okay, so the question existing customer in each, right? For this, I have created like this, bro. Existing.